हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल है, जो कि आपके बुक का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम लोग नॉन मेटल सेक्शन को पढ़ रहे थे। नॉन मेटल में जो है, पिछले क्लास में हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के बारे में पढ़े थे, और उसको हल्का सा फिर समझ लीजिए कि नॉन मेटल जो होता है वह इलेक्ट्रिक एंड हीट का जो है बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल में जो है वो ग्रेफाइट है, जो कि नॉन मेटल है, लेकिन वो आपको इलेक्ट्रिक एंड हीट का गुड कंडक्टर है। फिर आपको कहा गया कि नॉन मेटल जो होता है वो उसमें मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी करेक्टर नहीं पाया जाता, यानी कि वो आघात वर्द और तन्य नहीं होता है। नॉन मेटल क्या होता है? तो नॉन मेटल ब्रिटल होता है, यानी कि उसको पीटने पर, उसको खींचने पर जो है वो टूट जाएगा, चटक जाएगा, है ना। उसके बाद कहा कि नॉन मेटल को जो है अगर बीट कीजिएगा तो उसमें जो है डल साउंड उत्पन्न होगा, यानी कि भोंडा आवाज़ उससे उत्पन्न होगा, ठीक है। और एक बात और बोला गया कि नॉन मेटल जो होता है उसमें जो है वो लस्टरस नहीं होता है, यानी कि उस चमक नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में जो है कार्बन का एक इलेक्ट्रोप्स है जिसका नाम है डायमंड, डायमंड में जो है सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होता है। उसके बाद कहा गया कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, ठीक है। तो और उसको कहा गया कि नॉन मेटल का जो है मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट, यानी कि द्रवणांक और क्वथनांक जो है निम्न होता है। उसके बाद बताया गया कि नॉन मेटल का जो है आपको डेंसिटी जो है लो होता है, ठीक है। ये जो है हम लोग नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे, है ना, जिसमें कि पहला रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ नॉन मेटल, नॉन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल के साथ जो है ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नॉन मेटल, जैसे मान लें कार्बन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यानी कि ऑक्साइड बनाया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कोई भी ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है, यानी कि जैसे मान लें C+O2 CO2 बन गया, फिर CO2 को जो है अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो वो फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि CO2+H2O एरो H2CO3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे कि जैसे मान लिया यहाँ बताया हम कार्बन, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ठीक है, कि व्हेन कार्बन इज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, यानी कि जो ऑक्साइड में चेंज हो गया, मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड इसको कहेंगे हम लोग, अगर ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पर, तो वाटर फॉर्मूला H2O होता है, तो CO2+H2O क्या हो जाएगा, H2CO3। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, या इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लें इसी ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है एक दूसरे नॉन मेटल मान लें कि S से करा देते हैं, ठीक है, तो S+O2 तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में ये चेंज हो गया। फिर इसी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, S+SO2+H2O क्या बन जाएगा, ये H2SO3। इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो इस ढंग से जो है ये नॉन मेटल का जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ नॉन
मेटल। तो जैसे मान लिया गया एक नन मेटल आप लेते हैं फास्फोरस मान लिया, ठीक है, आप फास्फोरस को जो है हम लोग क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जब फास्फोरस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड भी बनेगा और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनेगा। यानी कि फास्फोरस जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो दो प्रकार का जो है कंपाउंड तैयार होगा, यानी कि एक फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तैयार होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। ये आपको फास्फोरस है, ये आपको क्लोरीन है। हम बताया कि पहला में जो है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बना। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, PCl3 होता है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। इसको जो है हम लोग अब बैलेंस करेंगे, इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने में क्या होगा कि फास्फोरस यहाँ पर एक है, फास्फोरस यहाँ पर एक है, क्लोरीन में गड़बड़ी है, क्लोरीन यहाँ पर दो है, यहाँ पर क्लोरीन तीन है। तो दोनों जो है सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मिनिमम नंबर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्लोरीन का मिनिमम नंबर क्या होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 दे देंगे, तो 2 दे दिए तो फास्फोरस 2 हो गया, तो यहाँ पर फास्फोरस 2 दे दिए। क्लोरीन कितना हो गया, 3 × 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 दे दिए। इस ढंग से जो है ये रिएक्शन जो है आपका बैलेंस हो गया। तो अभी हम बोले कि फास्फोरस जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बनता है। फिर हम बोले कि जब फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है, यानी पेंट वाणी 5 होता है, यानी कि फॉर्मूला PCl5 हो जाएगा। तो P+Cl2 AO PCl5, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड कहते हैं। इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको जो है इवन नंबर में लाने में क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 5 कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, 10 क्लोरीन हो गया, यहाँ फास्फोरस कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, तो 2 हो गया, तो यहाँ पर फास्फोरस 2 दे देंगे। इस ढंग से जो है ये फास्फोरस के साथ जो है मतलब कि क्लोरीन का रिएक्शन जो है एक नॉन मेटल जिसको ये फास्फोरस कहते हैं उसके साथ रिएक्शन था, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी क्लोरीन का रिएक्शन जो है हम लोग हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन को रिएक्शन करेंगे तो H2+Cl2 AO HCl, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे। तो इसको हम लोग इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, कहता है कि जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब जो है यह समझ में आ गया, दो रिएक्शन हम लोग पढ़े। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लिया गया, कहा गया कि किसी भी नॉन मेटल का जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, किसी भी नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, यानी कि तीसरा नंबर हो गया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन,
गैस विथ सल्फर कर दीजिए, यानी कि हाइड्रोजन गैस का जो है सल्फर के साथ रिएक्शन, सल्फर एक नॉन मेटल है और इसका रिएक्शन जो है हाइड्रोजन गैस के साथ होगा। तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2 प्लस सल्फर का मतलब S, ये रिएक्शन हुआ तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा H2S, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये एक कंपाउंड तैयार हुआ। जैसे मान लिया गया सल्फर के जगह पर अगर हम लोग नाइट्रोजन ले लेते हैं, सल्फर के जगह पर यहाँ पर जो है विथ सल्फर जो लिखे हैं यहाँ पर नॉन मेटल लिख दीजिए, नॉन मेटल अगर कर देंगे तो एक सल्फर लिए और दूसरा जो है फिर हम लोग नाइट्रोजन ले लेंगे। तो जैसे मान लिया गया नाइट्रोजन है और इसका रिएक्शन जो है हाइड्रोजन गैस के साथ करा दिए, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस बनाता है। जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम लोग हेबर प्रोसेस कहते हैं, और ये जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे जो है सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है सनलाइट के प्रेजेंट में हुआ, ऐड जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे हुआ एट रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, और ये रिएक्शन जो है आपको रिवर्सेबल भी है ना, यानी कि रिवर्स कर जाता है जैसे। तो ये बना क्या आपको अमोनिया गैस बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस मिला तो क्या बना दिया, अमोनिया गैस बन गया, और ये रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन दो है, यहाँ नाइट्रोजन एक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम दो कर देंगे, दो कर देंगे तो नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तीन दुना छः हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिएक्शन भी आपका बैलेंस हो गया। कहता है कि नॉन मेटल जो होता है, अब जैसे मान लें कि चौथा नंबर में है रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। कहता है कि जब कोई नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए नो रिएक्शन, यानी कि किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया जो है वाटर के साथ इसका नहीं होता है। अब इसी तरह से जो है पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी कि नॉन मेटल जो है जनरली एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं रिएक्शन ये जनरली जो है नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे आपको ऐसे इसमें भी जनरली जो है एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे आपको सल्फर है, सल्फर जो है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर गया, यानी कि HNO3, यानी कि जब सल्फर को नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराया गया तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी कि NO2 प्लस H2O, ये आपका जो है क्या बोला कि जब सल्फर को नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर की प्राप्ति होती है। इसको हम लोग जो है अब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 और 2 = 4 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 × 2 = 6 = 7 है। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अगर 6 दे देते हैं यहाँ पर तो आपका ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 6 × 3 =
18 हो जाता है, और यहाँ पर कितना है आपको 4 दो 6। अगर मान लें यहाँ पर हम 6 दे देते हैं तो 6 दुना 12 और 4 16 हो जाता है, 6 दुना 12 और 4 16 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 दे देंगे तो 16 दो 18 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जो है 18 हो गया। अब हाइड्रोजन को सल्फ़र को मिलाइए, सल्फ़र 1 सल्फ़र 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन 6 तो 2 और 4 6, नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 18 तो 4 6 दुना 12 6 12 4 16 16 दो 18। इस ढंग से जो है ये रिएक्शन जो है आपका बैलेंस हो गया। और अब हम लोग जो है इसमें दो चीज़ बच गया इस सेक्शन में मेटल नॉन मेटल में, के डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो है हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद उसी दिन जो है हम लोग केमिकल बॉन्ड में भी जाएंगे, रासायनिक बंधन इसके इसी चैप्टर में जुड़ा हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जो है केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले जो है आप लोग को जो बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट का, उसको जो है फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, कैसे निकलती है, ये सब आपको पिछले क्लास में जो है क्लास में ही बताया गया था। उसको जो है एक बार आप लोग फिर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपको समझ में आए।